थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा सा इमोशन समझिए, आप इमोशनली अटैच हो जाएंगे इससे। अबाउट 90% ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मोटर, दुनिया में जितने भी मोटर हैं ठीक, अगर सबकी काउंटिंग आप करना शुरू करेंगे तो अराउंड 90% ऑफ मोटर एप्लीकेशन जो है वो इंडक्शन मोटर का ही है ठीक। तो बाकी सारे मोटर जितने टाइप के होते हैं सब एक तरफ, 10% के अंदर अप्लाइड होते हैं, 90% से ऊपर एप्लीकेशन इसी मशीन का होता है। अगर ऐसा है तो इसमें कुछ खास बात होगी ठीक है। पहले उस चीज को देखते हैं, फिर हम इस पे जाएंगे, ये समझ इसको समझेंगे ये मशीन काम कैसे करती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, सर्किट डायग्राम लॉसेस वगैरह वो सब वहां पे देखेंगे ठीक। पहले इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, पहली प्रॉपर्टी इसकी यह है कि इसका एप्लीकेशन बहुत हाई है, अराउंड 90% ऑफ मोटर एप्लीकेशन ठीक है, अराउंड 90% ऑफ मोटर एप्लीकेशन इंडक्शन मोटर्स आर यूज्ड ठीक। थ्री फेज इंडक्शन मोटर जब से आया है उसकी एप्लीकेशन बहुत हाई है। अगर इससे पहले की बात करें तो बिफोर थ्री फेज इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर को मैं शॉर्ट फॉर्म IM लिख रहा हूँ, बिफोर थ्री फेज इंडक्शन मोटर द मोस्ट वाइडली used motor was DC shunt motor ठीक। थ्री फेज इंडक्शन मोटर से पहले जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला मोटर था वो डीसी शंट मोटर था, तो डीसी शंट मोटर को ही इसने रिप्लेस किया है ठीक। इसकी प्रॉपर्टीज भी लगभग डीसी शंट मोटर जैसी होती है, हेंस इट्स properties are similar to DC shunt motor, इसकी properties DC shunt motor जैसी ही है ठीक। उसकी main property क्या थी, that is it runs with कॉन्स्टेंट स्पीड, आप लोड बढ़ाते जाइए अपना स्पीड खुद काउंटर कर लेता है और लगभग लगभग नो लोड से फुल लोड तक कॉन्स्टेंट स्पीड रहती है, लोड वेरिएशन स्पीड का बहुत कम रहता है। कॉन्स्टेंट स्पीड मेंटेन रखने की वजह से ही इसका एप्लीकेशन हाई है ठीक। लेकिन अगर आप कंपेरिजन करेंगे ठीक, आप कंपैरिजन करेंगे तो ये हमारे पास स्टेटर और ये रोटर, आप स्टेटर को भी सप्लाई देते थे फील्ड वाइंडिंग को और रोटर को भी सप्लाई देते थे आर्मेचर वाइंडिंग को। अब जब आप आर्मेचर वाइंडिंग को या रोटर को सप्लाई देंगे ना तो आप वो जो कि मूविंग पार्ट है सॉलिड कनेक्शन से नहीं दे सकते, आपको ब्रशेस लगाने पड़ते हैं, ब्रश लगाएंगे यहाँ पे तभी आप सप्लाई दे पाएंगे, इस पॉइंट पे ब्रश लगेगा जहाँ पे आप कम्यूटेटर के थ्रू कनेक्शन करते हैं ठीक। जब भी आप ब्रश या मूविंग इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट यूज करते हैं तो वहां पे स्पार्किंग होती है ठीक, लॉसेस होते हैं, मेंटेनेंस बढ़ जाता है। यह है आपका डीसी मोटर ठीक। आपके इंडक्शन मोटर में क्या होता है, केवल स्टेटर को सप्लाई दिया जाता है, थ्री फेज सप्लाई RYB, रोटर को सप्लाई देने की जरूरत नहीं है। आप यहां से सप्लाई देंगे, अल्टरनेटिंग फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो फील्ड रोटर को कट करेगा, रोटर पे EMF इंड्यूस होगा, करंट फ्लो करेगी, करंट कैरिंग कनेक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड, टॉर्क प्रोड्यूस होगा और ये मोटर उसी से रन करता है इंडक्शन मोटर। अब कंपैरिजन करें तो
इसको इस तरह से भी सेपरेट हेडिंग डाल के कर सकते हैं, कंपैरिजन ऑफ डीसी मोटर, डीसी एंड इंडक्शन मोटर। अगर इनको कंपैरिजन करें तो पहला पॉइंट ये दिखता है कि इन डीसी मोटर सप्लाई इज गिवन बोथ टू स्टेटर एंड रोटर। आप स्टेटर और रोटर दोनों को सप्लाई देते हैं, तो वहां भी कंडक्शन हो रहा है, इधर भी कंडक्शन हो रहा है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज कंडक्शन मोटर। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज ऑल्सो नोन एज कंडक्शन मोटर, तो क्या आंसर होगा इसका? डीसी मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी शंट मोटर को कंडक्शन मोटर भी कहते हैं, ठीक है, नाम रखे हो, जैसे मेरा नाम किसी ने कुछ रख दिया है तो मुझे उस नाम से जाना जाता है, इसमें और कोई लॉजिक इन्वॉल्व नहीं है, ठीक। नेक्स्ट, अब इंडक्शन मशीन में क्या है, वेयर एज इन इंडक्शन मोटर सप्लाई इज गिवन टू स्टेटर ओनली, केवल स्टेटर को सप्लाई देते हैं आप, रोटर को सप्लाई देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मोटर बना रहे हैं ना, तो रोटर और इलेक्ट्रिकल दोनों पे सप्लाई चाहिए, तभी दोनों वाइंडिंग्स इंटरेक्ट करेंगी, फोर्स प्रोड्यूस होगा और मशीन रन करेगी। इंडक्शन मोटर में सप्लाई केवल स्टेटर को दी जाती है एंड इलेक्ट्रिकल पावर इज इंड्यूस्ड ऑन रोटर, इलेक्ट्रिकल पावर रोटर पे इंड्यूस होती है, ठीक। ऐसा कोई और मशीन आपने इससे पहले पढ़ा कि एक वाइंडिंग को सप्लाई दिया आपने, उससे इंडक्शन से दूसरी वाइंडिंग पे सप्लाई मिले और दूसरे वाइंडिंग से आपने आउटपुट लिया? ट्रांसफार्मर्स, ट्रांसफार्मर यहाँ पे होता था। अब इसको देखिए ध्यान से, स्टेटर पे वाइंडिंग है, उस पर आपने थ्री फेज सप्लाई दिया, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड ने रोटर की वाइंडिंग को कट किया, तो रोटर पे इलेक्ट्रिकल पावर। अब रोटर का करंट इसके फ्लक्स से इंटरैक्ट करेगा और टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक। आउटपुट आप किससे लेते हैं, रोटर से कि स्टेटर से? मोटर है ये, रोटर, रोटर से लेगा सर। तो इस वाली वाइंडिंग से ही आप आउटपुट भी ले रहे हैं, एक वाइंडिंग को पावर दे रहे हैं, दूसरे वाइंडिंग से पावर ले रहे हैं, बीच में क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन है। तो क्या यही काम ट्रांसफार्मर का भी था? यस सर, ठीक। तो इसीलिए इंडक्शन मोटर को रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है, एक ट्रांसफार्मर जिसका सेकेंडरी साइड रोटेट कर रहा है, ठीक जी जी। इलेक्ट्रिकल पावर इज रिड्यूस्ड ऑन रोटर, देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज रोटेटिंग ट्रांसफार्मर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर को रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, या इंडक्शन मशीन को रोटेटिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं। सेकेंड डिफरेंस, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन याद है डीसी मशीन का आपको? याद है सर। स्टेटर होता है, स्टेटर पे पोल कोर, पोल शू, ऐसा ही और भी होंगे, और बीच में रोटर, ठीक। आप पावर लेते हैं रोटर से, अगर आउटपुट पावर सेम है तो रोटर का साइज लगभग सेम होगा। अगर आप डीसी मशीन लेते तो जो रोटर का साइज है, ये डीसी मशीन का और ये इंडक्शन मशीन का,
डीसी मशीन पे और इंडक्शन मशीन पे दोनों पे रोटर का साइज सेम कर दिया। ठीक। अब यहां पे पोल कोर पोल शू होता है जिससे मशीन का साइज बढ़ जाता है। आपको इंडक्शन मशीन में स्टेटर और रोटर के बीच में इंडक्शन चाहिए, तो स्टेटर बहुत दूर हो ही नहीं सकता रोटर से। दोनों सेम रेटिंग की मशीनें हैं। यस सर। पोल कोर पोल शू ना होने से क्या मशीन का साइज रिड्यूस हो रहा है? होता है सर। सपोज ये 10 एचपी का मोटर है, ये भी 10 एचपी का मोटर है, तो सेम पावर के लिए किस मशीन का साइज स्मॉल है? इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मशीन अगर साइज स्मॉल, साइज रिड्यूस होगा तो कॉस्ट भी रिड्यूस होगा, मटेरियल कम लगेगा आपको। तो अगर आप इंडक्शन मशीन को देखें, इसी में आ जाएगा ये एक सेकेंड गले में। तो इंडक्शन मशीन में साइज ऑफ इंडक्शन मोटर इज वेरी स्मॉल कंपेरिजन टू डीसी मशीन। सेम पावर के लिए इंडक्शन मशीन का साइज बहुत छोटा होता है। तीसरा पॉइंट देखिए, एक तो साइज रिड्यूस हुआ, उससे कॉस्ट घटेगा। ठीक। डीसी मशीन में स्टेटर और रोटर के अलावा एक एक्स्ट्रा पार्ट और था, कम्यूटेटर, जो रोटर के साथ रोटेट करता है। यस सर। यहाँ पे कोई कम्यूटेटर नहीं, स्लिप रिंग होता है ना इंडक्शन मशीन में, यहाँ पे कोई कम्यूटेटर नहीं है, तो एक पूरा पूरा पार्ट कम हो गया, स्लिप रिंग होता है। होता है, बहुत रेयर यूज करते हैं, 80% से ऊपर एप्लीकेशन स्पिरल केज का है। अच्छा अच्छा। अब वैसे भी आप कंपैरिजन भी कर लेंगे तो स्लिप रिंग और कम्यूटेटर दोनों के साइज में बहुत डिफरेंस है, कॉस्ट भी बहुत डिफरेंस है। अच्छा अच्छा। तो मशीन का खुद का साइज घटने से कॉस्ट कम हो गया, प्लस कम्यूटेटर और ब्रश जैसे चीजें जो लग रही थी उनका कॉस्ट भी रिड्यूस हो गया। ठीक। आपका घर का जो सीलिंग फैन है वो इंडक्शन मोटर है ना? यस सर। सिंगल फेज अगर वो, हाँ सिंगल फेज है, फिर भी प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। तो इंडक्शन मशीन आपका जो फैन का कॉस्ट है वो लगभग 1000 से 1500 रुपीज में आ जाता है। नॉर्मल फैन डिजाइनर नॉर्मल फैन 1000 से 1500 रुपए के बीच में आ जाता है। अगर सेम रेटिंग का डीसी मशीन आप लगाने जाएंगे ना तो 10 से 15 हजार लेगा। डीसी मशीन का कॉस्ट सेम रेटिंग पे ऑलमोस्ट 10 times हो जाता है। डिफरेंस ज्यादा है ना? यस सर। ठीक। तो कॉन्सेप्चुअली इसको आप लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ इंडक्शन मशीन इज वेरी स्मॉल। ठीक। फोर्थ पॉइंट, डीसी मशीन में आर्मेचर से जहां से करंट ज्यादा है, जहां से पावर आपको देना है इलेक्ट्रिकल पावर, आर्मेचर करंट कम तो होती नहीं है, अब वो सारी करंट ब्रश से पास करती है, तो हाई करंट कैरी करने वाले ब्रशेस कॉस्ट ज्यादा होता है उनका। प्लस क्या ब्रश कंटिन्यूअस एक साइज का रहेगा? जैसे कम्यूटेटर पर स्लिप करेगा ना ब्रश, अब कोई चीजें लगातार फ्रिक्शन में रहेंगी, कॉपर ग्रेफाइट, ग्रेफाइट है, सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी भी उसकी, तो वो रिड्यूस होता जाएगा ब्रश। जब लगभग 70% तक ब्रश रिड्यूस हो जाता है तो आपको ब्रश चेंज करना पड़ता है। ठीक। नहीं तो बहुत ज्यादा स्पार्किंग हो जाती है। तो क्या इसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा है? यस सर। ठीक। तो इसका इंडक्शन मशीन का जो सब्स्टिट्यूट है उसका कॉस्ट भी ज्यादा है एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ इंडक्शन मशीन इज वेरी स्मॉल। ठीक। नेक्स्ट, अगर ब्रश लगे हैं सिस्टम में और करंट पास कर रही है तो सॉलिड कनेक्शन पे उतना रेजिस्टेंस नहीं मिलता है। अगर आप मूविंग इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट, ये दो कंडक्टर एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है लेकिन सॉलिड ज्वाइन नहीं है,
बीच में एयर फ्रिक्शन रहेगा, जो कंडक्शन जिस पॉइंट पे दोनों एड जुड़ रहे हैं ना, जहां से करंट पास हो रहा है जिस जॉइंट से, उस पॉइंट का रेजिस्टेंस हाई होता है। यस सर। अगर रेजिस्टेंस हाई है उस पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे हीट लॉस भी होगा। ठीक। तो डीसी मशीन में इंडक्शन मशीन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा लॉसेस भी होते हैं। डीसी मशीन की एफिशिएंसी लगभग 60% के आसपास होती है, इंडक्शन मशीन की एफिशिएंसी 80% से ऊपर होती है। ठीक। यस सर। इन कंपैरिजन में लिखें तो लॉसेस इन इंडक्शन मोटर आर वेरी स्मॉल। इंडक्शन मशीन में लॉसेस बहुत कम है, दैट इज एफिशिएंसी इज हाई, एफिशिएंसी ज्यादा है। ठीक। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट, एक और पॉइंट है, अगर आप ब्रश को कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हैं तो एक ना एक टाइम आएगा कि वो रिड्यूस हो जाएगा ब्रश। यस। और आपको उस ब्रश को चेंज करना पड़ेगा। ठीक। जब आप ब्रश को चेंज करेंगे तो मशीन रनिंग कंडीशन में रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। मशीन को बंद करना पड़ेगा, बंद करके ब्रश चेंज करना पड़ेगा, फिर जो है आप दोबारा मशीन को चला सकते हैं। ठीक। इसका मतलब है कि कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ डीसी मोटर बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं हो सकता, मेंटेनेंस के लिए उसको बंद करना ही पड़ता है। ठीक। जबकि इंडक्शन मशीन में ना तो कोई ब्रश है ना कुछ है, आप ऑन करके छोड़ दीजिए, 6 महीने तक चलता रहेगा। जब तक पावर क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ओवर वोल्टेज ओवर कोई ट्रांजिएंट नहीं आता, इंडक्शन मशीन को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब अपने घर का फैन भी, अगर पावर क्वालिटी आपके घर की अच्छी है, रेगुलर वोल्टेज सप्लाई आपको मिल रहा है, तो अपने घर का फैन ऑन करके छोड़ दीजिए। जब तक बियरिंग में प्रॉब्लम ना आ जाए, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम उस मशीन में कभी नहीं आ सकती। ठीक। तो इंडक्शन मशीन का एक लास्ट एडवांटेज ये है कि इंडक्शन मोटर्स कैन बी यूज्ड कंटिन्यूअसली फॉर वेरी लॉन्ग टाइम इंटरवल, सेवरल मंथ्स तक इस मशीन को कंटिन्यूअसली चला सकते हैं। इंडस्ट्री में होता भी है, कई कई महीनों तक मशीनें मोटर बंद नहीं होते। ये प्रैक्टिकली ऐसा होता है। सेवेंथ पॉइंट, ठीक। डीसी मशीन जब आप डिजाइन करते थे तो पहले आप स्टेटर बनाते थे, फिर पोल कोर लगाते थे, फिर पोल शू लगाते थे, फिर उसका रोटर का डिजाइन होता था, फिर आर्मेचर वाइंडिंग, को फिर वापस बाहर लेकर के आइए, फिर कम्यूटेटर में कनेक्ट करिए, उसके सेगमेंट्स डिजाइन करिए, फिर उसके बाद फिर सेगमेंट पे ब्रश लगाइए, ब्रश की काउंटिंग करिए, ब्रश का विड्थ देखिए, सेगमेंट का विड्थ देखिए। यह प्रोसेस बहुत लेंदी नहीं लग रहा है? लेंदी है। ठीक। तो डिजाइन जो है डीसी मशीन का बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इन कंपेरिजन टू इंडक्शन मशीन। दो आप एक स्टेटर चाहिए, एक रोटर फाइल चाहिए, एक वाइंडिंग इस पे, एक वाइंडिंग इस पे, बात खत्म। ठीक। तो आप देखें कि इंडक्शन मशीन का डिजाइन है, डिजाइन ऑफ इंडक्शन मोटर इज वेरी सिंपल। ठीक। एंड अगर कोई चीज सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो फॉल्ट आने के चांसेस भी कम होते हैं। अगर फॉल्ट कम होता है तो वो सिस्टम रिलायबल ज्यादा होता है। इट्स वेरी सिंपल एंड रिलायबल, या रफ एंड टफ डिजाइन बोल सकते हैं इसको, इसमें प्रॉब्लम्स बहुत कम आती। तो ये मशीन अपने कंपटीटर्स जो हैं, जो इनका सब्स्टिट्यूट है, उससे छोटी है। ठीक। उससे कॉस्ट भी कम है, इफिशियंसी भी ज्यादा है, लॉसेस भी कम है, बहुत देर तक चल भी सकती है। ठीक। सिंपल डिजाइन है। इंडक्शन मोटर की वाइंडिंग, आपका फैन खराब हो जाए या कोई भी, आप छोटा मोटा इलेक्ट्रिशियन पकड़ के लेके आइए और बोलिए कि उसको सही कर दो तो बना देगा। डीसी मशीन की वाइंडिंग सब नहीं कर पाते। समझ रहे हैं आप? ठीक।
तो जितने भी कंपैरिजन या पॉइंट्स आपने देखे उसमें कोई डिसएडवांटेज दिख रहा है क्या इंडक्शन मशीन में? इसमें कोई डिसएडवांटेज है क्या कि सारे के सारे एडवांटेज इंडक्शन के पास? एडवांटेज तो इतना सारा एडवांटेज होने की वजह से कोई और मशीन क्यों यूज करेंगे हम? इसको ही यूज करेंगे, इसीलिए 90% एप्लीकेशन इंडक्शन मशीन का ही होता है एंड ऑल मोटर एप्लीकेशंस। क्लियर? अब ऐसा नहीं है कि केवल केवल इसके पास डिसएडवांटेज है, सॉरी एडवांटेज है, कोई डिसएडवांटेज नहीं है। एक डिसएडवांटेज है या दो है, मान लीजिए बेसिकली दो डिसएडवांटेज है हमारे पास, लेकिन वो अभी आप समझ नहीं पाएंगे, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक, तो आप नोट करके यहाँ पे लिख सकते हैं, ड्यू टू ऑल अबव एडवांटेजेस थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज प्रेफर्ड ओवर ऑल अदर मोटर्स। जब तक ऐसी कोई जरूरत ना आ जाए कि जो इससे नहीं हो पा रहा है, तब तक कोई और मोटर यूज नहीं करे। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में आप लोग सब लोग जानते हैं? जानते हैं सर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में कब से हैं? मार्केट में तो पता नहीं सर, बहुत पहले से। 2003। हाँ, 2-3 से है मार्केट में। ठीक, लेकिन पॉपुलर नहीं हो पाए। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि 2017-18 आते आते इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट फिर से वापस बढ़ने लगा? रिसोर्सेस सर, वो रिन्यूएबल, इट वाज द रिप्लेसमेंट ऑफ डीसी मोटर विद थ्री फेज इंडक्शन मोटर। जी, पहले के मशीनों में जो छोटी छोटी इलेक्ट्रिक बाइक आती थी आपके पास, डीसी मोटर लगा होता था, बहुत पावरफुल मशीन नहीं बना पाते थे हम लोग, लेकिन अभी थ्री फेज इंडक्शन मशीन यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक कार्स में भी और बाइक्स में भी। अब पावर प्रोड्यूस कर ले रहे हैं, सिस्टम ज्यादा रिलायबल हो गया है, इसीलिए जैसा ही थ्री फेज इंडक्शन मोटर ने डीसी मोटर को रिप्लेस किया, व्हीकल्स का मार्केट वापस क्रिएट हो गया है। इतने एडवांटेज है इस मशीन के। वो थ्री फेज इंडक्शन मोटर सर अभी रिसेंटली आया गया सर, पहले नहीं था क्या? नहीं, आप इलेक्ट्रिक कार में सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ये बैटरी। बैटरी डीसी सप्लाई देगा ना एसी सप्लाई देगा? डीसी देते हैं। बैटरी डीसी सप्लाई देगा। इंडक्शन मशीन एसी पे काम करती है डीसी पे? एसी पे सर। तो बैटरी का जो सिंगल फेज वो टू वायर सिस्टम जो डीसी सप्लाई है ना, उससे थ्री फेज आपको एसी सप्लाई प्रोड्यूस करना पड़ता है। अगर ये काम करके थ्री फेज ये जो कन्वर्टर आप कन्वर्जन आपने किया है, ये कन्वर्जन हो जाता है स्मूथ साइन वेव, तभी आप थ्री फेज इंडक्शन मोटर रन कर सकते हैं। तो वो कन्वर्टर डिजाइन करने में इतना टाइम लगे। जी, उसको कन्वर्टर को क्या बोलते हैं? थ्री फेज कन्वर्टर बोल। अच्छा अच्छा, अब मार्केट में जाके मांगेंगे भी तो कन्वर्टर ही मांगना होगा। अच्छा, पूरे गाड़ी का लगभग कॉस्ट वही है, बाकी चीजों का कॉस्ट बहुत कम है। एक तो बैटरी का कॉस्ट ज्यादा है और कन्वर्टर का कॉस्ट ज्यादा है। बाकी मोटर से लेके बाकी सबका कॉस्ट उतना नहीं होता है। जी सर, तो इसलिए ईवी अभी महंगी है। जब तक मास प्रोडक्शन चाइना शुरू नहीं करता है ना, तब तक अभी ईवी का कॉस्ट रहेगा थोड़ा। चलिए स्टोरी पर वापस आ जाएं। जी बताइए। क्या ये स्टार्टिंग है? आपका वॉइस नहीं क्लियर हो रहा, ब्रेक हो रहा है, फिर से रिपीट करिए। सेल्फ स्टार्टिंग है क्या? जी, थ्री फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग। चले आगे चले। तो इतना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन था थ्री फेज इंडक्शन मोटर का, इसके बाद इतना बड़ा इंट्रोडक्शन आपको किसी और मशीन का नहीं मिलेगा, केवल इंट्रोडक्शन है ये इसका। नेक्स्ट, वर्किंग प्रिंसिपल। क्रिएट
किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक, तो वर्किंग प्रिंसिपल किसी भी मोटर का क्या होता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मोटर का नहीं होता है? हाँ, लेफ्ट हैंड रूल तभी लगेगा ना जब उस पर म्यूचुअल इंडक्शन भी होगा। ठीक, स्टेटर पे आपको पावर देना है, रोटर पे पावर सप्लाई बाय इंडक्शन चाहिए। म्यूचुअल इंडक्शन है एक वाइंडिंग से बीच में। तो अगर इनके वर्किंग प्रिंसिपल्स लिखे तो तीन प्रिंसिपल्स पे काम करता है। पहला आपको चाहिए म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक, उसके बाद दोनों पे पावर प्रोड्यूस होने के बाद फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और तीसरा वर्किंग प्रिंसिपल है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, प्रिंसिपल ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, RMF। एक एक पॉइंट को हम लोग देखते हैं अभी। नाउ थ्री फेज इंडक्शन मोटर फॉलोस की जगह थ्री फेज इंडक्शन मोटर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग थ्री प्रिंसिपल्स। थ्री फेज इंडक्शन मोटर ये तीन बेसिक प्रिंसिपल्स के इस पे काम करता है, ये तीन बेसिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग काम करता है। फर्स्ट इज म्यूचुअल इंडक्शन। या म्यूचुअल इंडक्शन को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं ना है, ट्रांसफार्मर में बहुत पढ़ चुके हैं आप इसको। सेकेंड वन इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये भी डीसी मशीन में आप पढ़ चुके। यस सर, फील्ड थ्योरी पे या जब बैटरी सर्किट आपने पढ़ा तब भी। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी आप जानते हैं, तो आपको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तीसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, व्हाट इज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, RMF होता क्या है। आगे चले, देखिए इसको थोड़ा समझाना मुश्किल है ऑनलाइन क्लास में। अगर आप अटेंटिव हैं और आप रिप्लाई करते हैं तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, प्लीज कोशिश कीजिए। ये बहुत जल्दी से आप बुक से पढ़ेंगे ना तो बुक में जो भी लिखा पढ़ने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आएगा, कंक्लूजन्स निकालने में बहुत टाइम लगा है। रिप्लाई करेंगे ना आप लोग? यस नो, कुछ कृपया बोलें, मेरे लिए आसान होगा। यस, धन्यवाद। चलिए, मशीन में दो पार्ट है, आउटर पार्ट है स्टेटर और इनर पार्ट है रोटर। रोटेट कौन करता है, स्टेटर की रोटर? रोटर, रोटर रोटेट करता है। ये देखिए एग्जाम्पल के लिए, समझाने के लिए मैंने एक आउटर पार्ट बनाया है। अगर किसी तरह से यहाँ पे नॉर्थ यहाँ पे साउथ पोल प्रोड्यूस कर दूं मैं वाइंडिंग करके, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। यस सर। ठीक, तो स्टेटर पे वाइंडिंग करके आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते, मैंने प्रोड्यूस कर दी। ठीक, एक रोटर लिया मैंने, रोटर भी वाइंडिंग करते हैं तो भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है। रोटर लिया मैंने ऐसा, अब ध्यान, ये रोटर रोटेट करने के लिए फ्री है, स्टेटर जैसा बाउंडिंग नहीं है उसमें, रुका रहेगा। ये हो गया साउथ, ये नॉर्थ। क्या ये रोटर का स्टेबल स्टेट है? नहीं नहीं नहीं, ये नॉर्थ पोल,
ये नॉर्थ पोल इस साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, यस सर, ठीक करेगा, और ऑटोमेटिक ये जो मैग्नेट है या रोटर है ये ऐसा अलाइन हो जाएगा, साउथ नॉर्थ अलाइन हो जाएगा। ठीक, क्या आपको कार के स्टीयरिंग जैसी दिख रहा है ये? नहीं, क्यों नहीं दिखा? ऐसा पकड़ के घुमा नहीं सकती क्या इसको? अब बोले दिख रहा है? नहीं सर, अभी भी नहीं दिख रहा है। तो छोड़िए, जाने दीजिए, स्टीयरिंग से मतलब नहीं मुझे। मेरे को मतलब है कि अगर इस मैग्नेट को, बाहर वाले मैग्नेट को ऐसा रोटेट करूं मैं, ये पोल आगे जाएगा, तो क्या पीछे पीछे ये भी आगे जाएगा? यस सर। ठीक, इसके आगे जाने का मतलब क्या? ये नॉर्थ साउथ की मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, रोटेट हो रही है स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड। अगर ऐसा होगा तो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड के पीछे पीछे रोटर भी रोटेट करेगा, या रोटर का मैग्नेटिक फील्ड भी रोटेट करेगा, होगा कि नहीं? जी, इंडक्शन मशीन का प्रिंसिपल यही है। अगर किसी तरह से आपने स्टेटर से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट करा दिया तो पीछे पीछे रोटर रन करेगा। ठीक, अब ये प्रोड्यूस कैसे करते हैं वो देखना है, कि मैग्नेटिक फील्ड रोटेट क्यों करेगी। नोट करके लिख सकते हैं जी, ये स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड ही रोटर का मैग्नेटिक फील्ड भी है ना। जब रोटर रोटेट करेगा तो उसका भी तो मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगा। मतलब रोटर का अलग मैग्नेटिक फील्ड है और वो खुद वो मैग्नेट है ना, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही। हर मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो आप नोट में रख सकते हैं कि द बेसिक वर्किंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज ड्यू टू रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। टोटल रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ऑन स्टेटर। ठीक है, अगर आप स्टेटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको आप रोटेट करा देते हैं तो पीछे पीछे रोटर भी रन करेगा, और यही मशीन का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है, और देखेंगे आके धीरे धीरे कैसे होता है। ठीक, अब हमको पढ़ना है पहले ये आरएमएफ, कि ये रोटेशन होगा कैसे। अगर मैट रोटर स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगा तभी वर्किंग प्रिंसिपल खत्म होगा, वर्किंग प्रिंसिपल के बाद हम कंस्ट्रक्शन पे जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कहीं कहीं फरारीज प्रिंसिपल लिखा है, कहीं कहीं मैक्सवेल्स प्रिंसिपल लिखा है, तो आप नाम ला लीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास स्टेटर है उस पे हम थ्री फेज वाइंडिंग करें, ठीक, और इस तरह से करें कि उन वाइंडिंग्स के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है, सपोज ये किया हमने तीन वाइंडिंग्स, एक दो तीन, यहां पे हमने दिया वी आर, वी वाई और वी बी। इन तीन वाइंडिंग्स को अगर 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट पर रखा जाए, इनमें जो वोल्टेज है उसका भी फेज डिफरेंस आपस में 120 है, इनको मैकेनिकली जहां पे रखा है उसमें भी डिस्प्लेसमेंट 120 डिग्री है, एक एक पोल है तो इलेक्ट्रिकल एंगल मैकेनिकल एंगल अभी अलग अलग नहीं, सेम है। आगे चले। ठीक,
तो अगर 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट पर रखते हैं तो इनसे कंबाइंड कलेक्टिव जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो रोटेटिंग नेचर का होगा, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा और वो कांस्टेंट स्पीड से रन करेगा, ऐसा होता है। अब उसको हम लोग को प्रूव भी करना है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी कि इट कैन बी प्रूव्ड दैट इफ बैलेंस्ड थ्री फेज सप्लाई इज गिवन टू थ्री फेज वाइंडिंग्स विच आर डिस्प्लेस्ड बाई 120 डिग्री, देन द रिजल्टेंट फ्लक्स resultant flux produced is constant in magnitude and rotates with constant velocity. जो फ्लक्स है वो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा उसका और कांस्टेंट वेलोसिटी से रन करेगा। तो सबसे पहले हमको बैलेंस थ्री फेज सप्लाई चाहिए। सबसे पहले थ्री फेज सप्लाई हमारे पास वी आर इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, वी वाई इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 120। फिर से आपने हैंड रेस किया है, क्या हुआ? नहीं समझ में आया मेरे को, आपका वॉइस ब्रेक होकर के आ रहा है। नहीं आपका वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं। मैसेज करिए चैट में। मैसेज कर रहे हैं आप चैट में? वाइंडिंग कैसे होता है? अभी वाइंडिंग तक बाद में पहुंची है ना। अभी ये हमारे पास वाइंडिंग अगर है तो फ्लक्स जो है कैसे प्रोड्यूस होगा? वाइंडिंग का डिजाइन अभी कंस्ट्रक्शन मैंने स्टार्ट नहीं किया है। वैसे भी इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस मशीन डिजाइन आप आते पढ़ेंगे। चलिए वी आर वी वाई वी बी वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री, ये थ्री फेज बैलेंस सप्लाई हो गया। किसको दिया है आपने सप्लाई? स्टेटर। स्टेटर में किसको? वाइंडिंग को सर। वाइंडिंग को, वाइंडिंग कॉइल होता है क्या? कॉइल। कॉइल में जो करंट प्रोड्यूस होगी क्या वोल्टेज से 90 डिग्री एंगल बनाएगी आइडियली? यस सर। तो अगर वो साइन है तो यहाँ पे कॉस हो जाएगा। आई आर विल बी आई एम कॉस ओमेगा टी। आप उल्टा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर रिजल्ट से मात्र है। आई एम कॉस ओमेगा टी माइनस 120 आई बी is equal to I m cos 120 omega t plus 120
करंट जो सर लेग कर रहे बोल के 90 से, इसलिए नहीं लेट आप छोड़ दीजिए 90 डिग्री फेज डिफरेंस पे तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो सकता है, सब में माइनस साइन लग जाए. मेरे को अभी केवल कॉन्सेप्ट्स मतलब है ना, न्यूमेरिकल एस्पेक्ट मत जाइए नेगेटिव पॉजिटिव पे. क्या फ्लक्स करंट के प्रोपोर्शनल होता है? यस सर. Flux can be written as this phi r is equal to phi m cos omega t, phi y is equal to phi m cos omega t minus 120, phi v is equal to phi m cos omega t plus 120. राइट अब डायग्राम में इनकी डायरेक्शन देखिए जरा, इधर की तरफ होगा फाई आर सर, इधर की तरफ होगा फाई वाई और इधर की तरफ होगा फाई बी. जी बताइए सर. आई एम कोस ओमेगा टी कैसे हो गया था सर, वो सुनाई नहीं दिया सर. वोल्टेज और करंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है? कॉइल इंडक्टर 90 ऐड करिए. व्हाट इज sin 90 plus 5 cos 5? जी सर समझ गया सर. ठीक ठीक ठीक. तो ये तीन डायरेक्शन में फ्लक्स मिले हैं, हर डायरेक्शन में इनका कुछ कंपोनेंट होगा. एक रेफरेंस डायरेक्शन में ले रहा हूं, सपोज इन तीनों का एड हो एडिशन होने के बाद रिजल्टेंट इधर मिल रहा है आपको. से दिस इज फाइव आर, तीनों के तीनों एक टाइम पे मैक्सिमम होंगे नहीं, फेज डिफरेंस है इनमें. समझ पा रहे हैं आप? ठीक तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि रिजल्टेंट मुझे इधर मिला है फाइव आर, या फाइव टी कर लीजिए, फाइव आर पहले से टोटल फ्लक्स. कंपोनेंट निकाला जाता है वेक्टर का, कंपोनेंट फाई आर का कंपोनेंट इधर कितना होगा? सपोज एंगल थीटा है, फाई आर कॉस थीटा, फाई आर कॉस थीटा. ठीक, ये कितना 120, ये कितना हो गया फाई वाई, इट विल बी 120 माइनस थीटा. अब ये 120 है, इधर थीटा है, पास वाला एंगल ले तो दिस इज 120 प्लस थीटा. ठीक तो अज्यूम कर रहे हैं हम लोग कि सपोज एट एनी टाइम द टोटल फ्लक्स is at theta angle from phi r. ठीक तो रिजल्टेंट फ्लक्स बाकी तीनों के कंपोनेंट्स से ऐड होकर के मिला होगा, तीनों के कंपोनेंट ऐड करते हैं. देयरफॉर phi t कैन बी रिटन एज phi r कंपोनेंट phi t के डायरेक्शन में कितना है? थीटा, फाइव आर कॉस थीटा इज इक्वल टू फाइव आर कॉस थीटा. फाइव वाई का कंपोनेंट फाइव टी की डायरेक्शन में कितना है? फाइव कॉस टू 120 माइनस फाइव, फाइव वाई इंटू कॉस 120 माइनस 5. 120 माइनस 5. तो उसका कंपोनेंट ऐड कर दीजिए. 5y इनटू कॉस 120 माइनस सॉरी थीटा है ना? वो 5 टोटल नहीं गया सर. 5t फर्स्ट वाला. वो सर देयरफॉर ये 5t टोटल फ्लक्स. 5t टोटल फ्लक्स.
सिमिलरली जो बी 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 वाला फ्लक्स है फेज है उसका फ्लक्स हम लिख सकते हैं फाइव बी कॉस 120 प्लस थीटा, ये तीनों कंपोनेंट ऐड हो गए। yes. अब यहां से फाइव आर फाइव आई और फाइव ए की वैल्यू रखते हैं आप, दिस इज क्वेश्चन नंबर वन। टोटल फ्लक्स कितना आता है, फाइव टी विल बी इक्वल टू फाइव एम कॉस ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस फाइव आई की वैल्यू क्या थी, फाइव एम कॉस ओमेगा टी माइनस 120। अच्छा कॉस थीटा और कॉस माइनस थीटा सेम होता है ना, तो सिमिलर बनाने के लिए मैं इसको लिख दे रहा हूं, आप नहीं भी लिखेंगे तो भी रिजल्ट सेम आएगा, कॉस थीटा माइनस 120 प्लस फाइव एम कॉस ओमेगा टी प्लस 120 इंटू कॉस ओमेगा टी सॉरी थीटा माइनस 120 प्लस है सर प्लस, अच्छा अच्छा थीटा माइनस प्लस प्लस ए प्लस बी और बी प्लस ए सेम ही होता है, दैट मींस दिस टोटल फ्लक्स फाइव टी विल बी इक्वल टू, क्या फाइव एम कॉमन है, यस सर, कॉस ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस 120 कॉस थीटा माइनस 120। अगर आपने क्लास 12th में ट्रिग्नोमेट्री सही से पढ़ी हो तो इसका रिजल्ट अभी दिख जाएगा आपको, नहीं तो सॉल्व करना पड़ेगा। कॉस थीटा प्लस 120, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। व्हाट इज कॉस ए इंटू कॉस बी, फॉर्मूला बताइए, cos a into cos b is equal to half 1/2 cos a plus b plus cos a minus b, ठीक कन्वर्ट कर दीजिए। अब ये इक्वेशन थोड़ा बड़ा होगा, दिस इज योर फॉर्मूला यूज्ड, फाइव टी विल बी इक्वल टू फाइव एम, 1/2 भी कॉमन ले लू क्या, करेक्ट, जो क्या फाइव एम बाई टू, अंदर क्या बचा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा ठीक प्लस इसको ऐड करिए तो कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस 120 240 सर, कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस 240 into cos omega t minus theta plus plus sir plus sahi hai, last wala term expand kariye, this cos omega t plus theta plus theta plus 240 plus cos omega t minus theta तब यहां देखिए तीन टर्म मिले आपको cos omega t sorry minus theta minus theta minus theta, ये तीनों डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, यस सर,
phi t equal to phi m by 2 3 cos omega t minus theta. Three times. अब बचा क्या? बचा ये cos omega t plus theta plus cos omega t plus theta. What is minus 240? Plus 120 degree. को इसमें convert किया मैंने. Yes. Plus cos omega t plus theta minus 120 degree. देख सकते हैं. अच्छा ये क्या है? Yes. Cos a plus cos a plus 120 plus cos a minus 120. तीन signals 120 degree angle पे और equal. इनका रिजल्ट क्या आएगा? Zero. Zero. आप ऐसे यूज कर सकते हैं. यूजिंग लामीज थ्योरम आपको डायरेक्ट मिल जाएगा. लामीज थ्योरम यूज करके आप डायरेक्ट इसका वैल्यू जीरो लिख सकते हैं. अगर आप लामीज थ्योरम याद नहीं है तो फिर सॉल्व भी कर लीजिए. ठीक, इतना बड़ा सॉल्यूशन कर रहे हैं तो पूरा ही कर लेते हैं. इट इज फाइव एम अपॉन टू हो गया 3 cos omega t minus theta plus cos omega t plus theta. What is cos A plus cos B? Cos A cos B minus sine sine theta. कॉस में अलग अलग टर्म्स नहीं आते. व्हाट इज कॉस ए प्लस कॉस बी? कॉस ए प्लस बी बाय टू प्लस कॉस ए माइनस बी बाय टू. ठीक, मैं इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर रहा हूं. दिस प्लस दिस बाय टू कितना होगा? ओमेगा टी प्लस थीटा. जी सॉरी, फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं. कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी बाई टू. एक टू यहाँ पे आ गया, ये वाला टर्म हो गया बी माइनस ए माइनस बी बाई टू. बताइए ओमेगा टी प्लस थीटा, ओमेगा टी प्लस थीटा कैंसिल. प्लस 120 में से माइनस 120 सबट्रैक्ट करेंगे तो 240. यस, और 240 बाय 2 इज 120 इज कॉस 120. व्हाट इज कॉस 120? Minus half. Minus 1 by 2. Plus. Minus sign put करेंगे तो minus sign हो जाएगा. Minus 2 cos omega t plus theta into 1 by 2. टू से टू कैंसिल, ओमेगा टी प्लस थीटा कैंसिल. तो रिजल्टेंट फ्लक्स फाइव टी इज इक्वल टू थ्री बाय टू फाइव एम कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा. दिस इज
इक्वेशन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, इसके बाद का प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है, आज मैं इसको खत्म नहीं कर पाऊंगा। तो हमको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है और टोटल मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन हमारे सामने आ गया 3/2 cos ωt माइनस थीटा। अब मैं प्रूफ करूंगा कि ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मैक्सिमम वैल्यू फिक्स्ड है और ये कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है। ठीक, और एक बार आपको आरएमएफ मिल गया तो उसके नेक्स्ट कंडीशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि किस किस केस में ऑब्जेक्टिव वो आरएमएफ मिलेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड क्या है वो निकालना होगा, उसी को हम बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। ठीक, अब इसके आगे का जो कंसेप्ट है वो कल, बस ये यहाँ तक आपको याद होना चाहिए। और ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का है सर, ये सिर्फ थ्री फेज के लिए एप्लीकेबल है ना? हाँ, अभी अभी तक केवल थ्री फेज लिया है हमने, जनरल केस भी लेंगे। वो कल प्रूव करेंगे कैसे ये इसका? हाँ, कल इसको प्रूव करेंगे और उस पे फिर क्वेश्चंस जो आते हैं वो सब करेंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू।